हेलो एवरीवन वेलकम आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ़ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री दैट इज एन वारंगल और स्पेसिफिकली ये जो डिस्कशन है ये एमटेक रिलेटेड होने वाला है क्या प्लेसमेंट uh, अपॉर्चुनिटी जो सबसे फेवरेट होता है हमारा क्या कट ऑफ होता है कौन कौन सी कंपनीज आती है और कैसा पैकेज दिया जाता है उस पर्सपेक्टिव में बाकी तो प्रेमर इंस्टीट्यूट है कोई लेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टीचिंग में बी के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है एम के लिए लोग जनरली आई आई टीज करते बट स्टिल बहुत सारे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ एन वगैरह से भी मिलती है एंड दिस इज़ द टॉप मोस्ट एन ऑफ द कंट्री इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू चेक आउट द कंटेंट्स बहुत सारा नया नया अपडेट आता रहता है चाहे वो गेट से रिलेटेड हो चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो टॉपर स्टॉक हो स्ट्रेटजी हो एप्टीट्यूड के सेशंस लाइव सेशंस सारा चीज़ अवेलेबल है आपके लिए तो कंटिन्यूसली चेकआउट आप करते रहिए अगर आप कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी लाइव सेशन हो कोई भी अनाउंसमेंट हो कुछ भी चीज़ हो आपके फायदे के लिए जैसे मैंने तो बताया है कि अभी क्या क्या आगे आने वाला है मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट किया भी है वीडियोज भी बनाए हैं तो डू चेक दिस थिंग्स सो स्टार्टिंग विद द सेलेक्शन सेलेक् सलेक्शन होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बाद ही तो हम सोच सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको जो जहाँ लेके आया हूँ वन ऑफ माई फेवरेट साइट्स है करियर थ्री सिक्सटी डॉट कॉम जबकि टू थाउजेंड सेवेंटीन में भी मैं तैयारी कर रहा था पी एस यू की नोटिफिकेशन वगैरह मैं कंटिन्यूस इसी पर देखता था इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली मैंने एम टेक पर तो इतना ध्यान दिया नहीं था बट स्टिल मैंने सर्च किया और ये काफ़ी रिलायबल साइट है तो चलते हैं उस सेक्शन पर जहाँ पर हमें कट ऑफ दिया गया है जहाँ हमको कट ऑफ के बारे में डिस्कशन दिया गया तो गेट ट्वेंटी ट्वेंटी का कट ऑफ हमारे पास अवेलेबल है आप यहाँ देख सकते हैं अपने ब्रांचेस के हिसाब से कि कौन सी ब्रांच में कैसा कट ऑफ स्कोर है कौन से कैटेगरी के, के हिसाब से तो आपको लिंक अगर चाहिए तो मैं शेयर कर देता हूँ इसमें सारे ब्रांचेस के अवेलेबल हैं कंप्यूटर साइंस मेटलर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सिविल सारी चीज़ों के अवेलेबल है कट ऑफ इवन गेट 2018 के भी कट ऑफ है तो मोर और लेस आप यहाँ से असर अटेंड कर सकते हैं कि आपके कैसे चांसेस हैं कैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपके पास कितने चांसेस हैं सीट ग्रैप करने के ये आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अब अगर हम बात करने आए प्लेसमेंट की ठीक है तो हर कोई बहुत कुछ क्लेम करता है अलग अलग जगह अलग अलग साइड पर नथिंग इज़ बेटर देन ओरिजिनल uh, जो इंस्टीट्यूट है ओरिजिनल इंस्टीट्यूट से ज़्यादा तो इसके लिए मैं एकदम लेजिटिमेट सोर्स यूज़ करने वाला हूँ अगर आप एन आई टी वारंगल के होम पेज पे आएंगे यहाँ से देखेंगे एक होता है इंस्टीट्यूट एनुअल रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो मैंने जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट अपडेटेड है उसको डाउनलोड किया एनुअल रिपोर्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो उसके थ्रू ही एनालिसिस करेंगे एकदम लेजिटिमेट सोर्सेस से मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है आपके लिए तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है ये देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल है कौन कौन सी कंपनीज आती हैं कहाँ कहाँ आप अगर आपको सपना है कि किसी कंपनी में जाना तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो जैसे देख सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया है नॉट बाय द बाय एनी बिग कंपनी और स्मॉल कंपनी आप देख सकते हैं अमेजन ए बी बी इंटेल माइक्रोसॉफ्ट जे पी मॉर्गन इवन पी एस सी यूज भी आ रही है जियो एल हर हर एक फील्ड की प्राइम जो कंपनीज है सारी कंपनीज यहाँ आती ही है यहाँ एक एक थोड़ा सा इशू आपको ये होगा कि यहाँ ये यह नहीं क्लियर है कि ये बी के लिए था या एम के लिए था ये इसकी क्लैरिटी मुझे भी मिल नहीं पाई बट स्टिल सिंस प्रीमियर कॉलेज है आप काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से भी नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड uh, रहते हैं लोग जिसके लिए प्लेसमेंट क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई uh, जा रहा है हर कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा चाहे कुछ भी ओ एम टेक कर रहा हो हर किसी को एक्सपेक्टेशन तो रिजल्ट की है ना तो रिजल्ट हमारा क्या होता है प्लेसमेंट उसके में क्या कि कितने चांसेस हैं और क्या पैकेज मिलता है तो ये भी चेकआउट करेंगे हम डायरेक्टली उसी एनुअल रिपोर्ट से जिसके बारे में मैंने बताया बिल्कुल लेजिटिमेट सोर्स है जो इंस्टीट्यूट है खुद ही डेवलप करता है वो इसीलिए इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता नो एक्सटर्नल साइट नथिंग तो देखते हैं डायरेक्ट हम ये देखते हैं कि कौन से ब्रांचेस में आपको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिविल से लेके तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने प्लेस हुए मैक्सिमम जो सैलरी दिया गया पैकेज ऑफर किया गया और एवरेज पैकेज तो ब्रांच uh, वाइज हम उसको स्क्रोल करते जाते हैं आपको फिर से इसकी लिंक चाहिए इस डॉक्यूमेंट की मैं फिर से दे दूंगा आपको यहाँ दिख जाएगा वैसे तो काफ़ी स्लो ही जा रहा हूँ मैं आपको दिख जाएगा कि कौन से ब्रांचेज में कैसी परफॉर्मेंस रही है ठीक है इसमें एक इशू ये है मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि देखिए मैंने खुद भी देखा कि अगर आप देखेंगे कि किसी भी मतलब जो एम uh, के हिसाब से और जो जैसे हम प्राइम इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से हर जगह जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हंड्रेड प्लेसमेंट रहे वैसा यहाँ सीन मेरे को आसपास भी नहीं दिखा एम के लिए बी के लिए तो काफ़ी डिसेंट था मैंने देखा 83 84 परसेंट कुछ था उसके बाद तो और भी लोग हैं क्योंकि लोग हैं जो फॉरेन चले जाते हैं फिर कुछ लोग एम वगैरह चले जाते हैं तो उन लोग प्लेसमेंट के लिए ऑफ नहीं करते सेम सिचुएशन मेरे ख्याल से यहाँ भी है कुछ लोग जो एम में है फिर वो पी के लिए भी चले जाते हैं और मे भी कुछ और कुछ लोग छोड़ देते हैं जैसे हम जानते ही हैं कि आ, सिस्टम थोड़ा हमारा ऐसा है कि लोग ज्वाइन करके भी फिर अलग अलग ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं तो मैं ये बोलूँगा कि एकदम इसके बेस पे हम टोटल पिक्चर जज नहीं कर सकते पर मोर और लेस एटलीस्ट हमको ये तो पता है कि कौन सी कंपनी मतलब कौन से ब्रांचेज में हमको कैसा प्लेसमेंट देखने मिल रहा है प्लेसमेंट के बारे में बोलूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा इम्प्रेसिव नहीं दिखा एक्सेप्ट अ फ्यू ब्रांचेज जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम uh, टेक में खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में वी वगैरह में काफ़ी अच्छा पैकेज दिख रहा है और प्लेसमेंट रेशियो भी काफ़ी अच्छा है पर एम टेक जैसे मैं मैकेनिकल देख रहा हूँ मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है इलेक्ट्रिकल का भी इतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा है मॉडल बिलो फिफ्टी परसेंट प्लेसमेंट दिख रहा है सिविल में तो थोड़ा और लग रहा है ठीक है पर मैंने बोला ना देखिए जैसे बी का दिख रहा है बीटेक का प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है काफ़ी अच्छा है और इवन आप ये देखिए जो पैकेज है वो भी वे वे गुड है वे गुड है ठीक है तो आ, मैं बोलूँगा कि मे भी लोग इसको प्रेफर ना करें ज़्यादा अच्छा तो यही बता सकते हैं जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडीड है जो, जो वहाँ से एलुमनी जिनको बोलते हैं जो पास आउट हो चुके हैं वो मैक्सिमम अच्छा बता सकते हैं एक रिपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं पर एटलीस्ट फॉर सेलेक्शन ऑफ अ कॉलेज इतना तो मेरे ख्याल से आपको हाईलाइट तो मिल गया होगा कि कैसा कैसा सिनेरियो है यहाँ पे एंड मैं बोला ना नथिंग इज़ बेटर देन द ओरिजिनल रिपोर्ट इड से आप देख सकते हैं मैंने फिर से आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि मैंने ये बताया है कि बहुत लोग पी चले जाते हैं बहुत लोग सीट छोड़ देते हैं तो सीट्स वेकेंट भी रह जाती है तो मे बी ट्वेंटी फोर जो हमको जैसा मान लीजिए यहाँ दिख रहा है ट्वेंटी फोर की जगह हो सकता है वो ट्वेल्व ही रहा हो एट द एंड ऑफ द टू इयर्स जैसे एम टेक प्रोग्राम होता है उसके एंड में हो सकता है वो ट्वेंटी <coughs> फोर की जगह ट्वेल्व ही रहा हो तो ये जो थ्री हम मानेंगे आउट ऑफ ट्वेल्व कंसिडर करेंगे बट स्टिल एवरेज पैकेज जो है और आपकी क्या क्या ब्रांचेज अवेलेबल है उसका आई होप मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है आपको शो कर दिया है कि क्या क्या अवेलेबल है आपको कट ऑफ के बारे में बताया आपको कंपनीज के बारे में बताया आपको प्लेसमेंट के बारे में बताया तो चलिए मिलेंगे अगले ही आ, वीडियो में भी किसी और अच्छे कॉलेज के प्रीमियर कॉलेज के बारे में फिर डिस्कस करेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ये सब इसीलिए ताकि आप बेस्ट चॉइसिस ले पाए आप अपने इसके लिए हमको ब्लाइंड नहीं रहना है टेक्नोलॉजी है हमारे पास सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है मैं बस यही है आपका टाइम बचाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपके पास सारा सिनेरियो पहुँच जाए कि कैसे कैसे क्या होता है तो आपको फिर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों पर और अगेन आपको जो जो चाहिए आ, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इन सारे रिपोर्ट्स का तो आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में